आपको ले चलते हैं पीएम मोदी की सभा में, जहां पर यानी कि जिला जयपुर के क्षेत्र मानसरोवर में पीएम मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। 2014 से पहले देश में क्या चर्चा होती थी, घरों के ड्राइंग रूम में, किचन में, ऑफिस में, लंच के दौरान, बसों में क्या बातें होती थी। और ये याद करना बहुत जरूरी है, मुझे लाने से पहले भारत में जो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी उस समय क्या हाल था, उस समय आपकी चर्चाएं क्या थी, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। क्या आप लोग मिलकर के चर्चा नहीं करते थे कि आए दिन बम धमाके होते हैं, इंसान की जान की कद्र कब होगी, ये बात होती थी कि नहीं होती थी? मैं यहां भाषण देने नहीं आया हूं, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आप मुझे बताइए, मैं जो बोल रहा हूं वो चर्चा होती थी कि नहीं होती थी? लोग कहते थे छोटे छोटे देश कार्रवाई करते हैं, भारत कब जागेगा, ये बात होती थी नहीं होती थी? ये जो घोटाला हुआ है, ये वाला कितने लाख का हुआ है, कितना करोड़ का हुआ है, इस घोटाले में कौन कौन से नेता और उसका बेटा बेटी कौन किसकी शामिल है, हर साल देश में कोई न कोई नया घोटाला क्यों हो रहा है, ये बात होती थी कि नहीं होती थी? जुबा पे इसकी चर्चा थी कि नहीं थी? महंगाई इतनी क्यों है, महंगाई डायन है कि खाए जात है, क्या सारा टैक्स हम ही से वसूल लेगी क्या सरकार, मिडिल क्लास की सरकार को तो परवाह ही नहीं है। साथियों, ये सवाल आप लोगों के बीच में चलते थे कि नहीं चलते थे? 5 साल पहले आप ये बातें करते थे कि नहीं करते थे? वो घोर निराशा के दिन थे, आशा की किरण तक दिखती नहीं थी, लेकिन आज भाजपा की सरकार में देश में किन बातों की चर्चा होती है, क्या सोचते हैं, 14 की तुलना में याद करना होगा आपको। आज भी ड्राइंग रूम में, बस में, रेल में, दुकान में, ऑफिस में बातें आज भी होती है, देश और दुनिया की होती है। तब क्या होता था, आज क्या होता है? आज चर्चा ये होती है कि उस शहर में 6 लेन का हाईवे बन गया, हमारे शहर में कब बनेगा, ऐसी बात होती है कि नहीं होती है? उस जिले में मेडिकल कॉलेज इतना अच्छा हो गया, हमारे जिले में कब होगा, ये बात होती है कि नहीं होती है? वो शहर तो एयर कनेक्टिविटी से जुड़ गया, हमारा शहर कब जुड़ेगा, ये बात होती है कि नहीं होती है? उस शहर में तो उड़ान योजना के तहत फ्लाइटें भी आने लग पड़ी, हमारे शहर में ऐसा कब होगा? उस शहर का रेलवे स्टेशन तो इतना शानदार हो गया है, हमारे शहर का कब होगा? उस शहर के लिए तो नई नई ट्रेनें जाती हैं, क्या शानदार कोच होते हैं, लेकिन हमारे शहर एसी ट्रेन कब आएगी? उसे तो पीएम आवास के तहत घर मिल गया, हमें क्या अगले 8-10 महीने में मिल जाएगा क्या? मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं,
इन सारे सवालों में शिकायत नहीं है, विश्वास का भाव होता है। ये भरोसा होता है कि कुछ दिन के इंतजार के बाद ही सही मोदी हमारे लिए भी करेगा। आज लोग ये नहीं पूछ रहे कि क्यों नहीं हुआ, आज लोग आशा और उम्मीद के साथ ये कहते हैं कि कब होगा, यानी उसको पूरा भरोसा है होने वाला है। वो इतना ही कहता है कब होगा, हमारी बारी कब आएगी। निराशा से आशा की तरफ बढ़ता ये नया भारत, और यही हमारी ऊर्जा है, यही हमारी शक्ति का स्रोत है। भाई और बहनों, इस नए भारत के निर्माण का नेतृत्व आज के नौजवान कर रहे हैं। वो आज नए भारत के निर्माण के लिए इस चौकीदार के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। इस भावना को सिर्फ अपने ही परिवार और अपने ही वंश को सर्वोपरि मानने वाले समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए वे जमीन से कट गए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि देश चाहता क्या है। वो सिर्फ मोदी को गाली देने में जुटे हुए हैं। रोज सुबह डिक्शनरी लेके बैठ जाते हैं कि आज कौन सी नई गाली निकाले, यही चल रहा है ना। साथियों, 2014 में आपके वोट से देश में एक परिवार के 55 साल जो तबाही ला करके रखी थी, जीवन के हर क्षेत्र में खाई थी, गड्ढे थे, मैंने 55 महीने उस परिवार के 55 साल के गड्ढे भरने में खपा दिए। ये काम मैं कर पाया आपके वोट से। अब की बार आपके वोट से विकास का हाईवे बनाने का अवसर है। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में चुनावी सभा को। पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया है, लगातार उन्होंने कहा है कि उन्होंने 55 महीने के अंदर यानी कि 55 साल जो सरकार ने राज किया है, और 55 महीनों में हमने उन सरकार के गड्ढों को पूरी तरह से भरा है। यानी कि सीधे तौर पर विपक्ष को लेकर के उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि 2014 से पहले जब हमारी सरकार आई थी उससे पहले केवल रिमोट कंट्रोल की सरकार थी, और तमाम तरह की बात उन्होंने कही है, और साथ में जनता से अपील की है कि वो उन्हें वोट दें, और वोट देकर जिताएंगे तो उनसे जिताने के बाद उनका जो विकास का एक रेला है, एक स्टेडियम है, वो तैयार किया जाएगा, यानी विकास की गति को लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी वहां पर संबोधित कर रहे हैं। अब आपको वापस लिए चलते हैं। भाई और बहनों, इस नए भारत के निर्माण का नेतृत्व आज के नौजवान कर रहे हैं। वो आज नए भारत के निर्माण के लिए इस चौकीदार के साथ
पूरी मजबूती से खड़े हैं। इस भावना को सिर्फ अपने ही परिवार और अपने ही वंश को सर्वोपरि मानने वाले समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए वे जमीन से कट गए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि देश चाहता क्या है। वो सिर्फ मोदी को गाली देने में जुटे हुए हैं। रोज सुबह डिक्शनरी लेके बैठ जाते हैं कि आज कौन सी नई गाली निकाले, यही चल रहा है ना। साथियों, 2014 में आपके वोट से देश में एक परिवार के 55 साल जो तबाही ला करके रखी थी, जीवन के हर क्षेत्र में खाई थी, गड्ढे थे, मैंने 55 महीने उस परिवार के 55 साल के गड्ढे भरने में खपा दिए। ये काम मैं कर पाया। 55 साल के अंदर जो सरकार ने गड्ढे किए थे उनको 55 महीनों में भरने की बात पीएम मोदी ने कही है। लोकसभा का चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है, लगातार हर जगह पर वोटिंग हो रही है, लेकिन हम जब भी कोई मंत्री या फिर कोई नेता जनता को संबोधित करता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो कुछ नई बात कहेगा, कुछ नए आगामी चुनाव को लेकर के, अगर वो जीतता है तो किस तरीके से वो विकास करेगा उसको लेकर के बात करता है। लेकिन लगातार जो जनसभाएं की जा रही है उनमें और केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाते हुए हम उनको देख रहे हैं कि लगातार पार्टियां एक दूसरे पर केवल आरोप और प्रत्यारोप कर रही है।